press the gun. राष्ट्रपति कपि रंगा प्यारा, राष्ट्रपति कपि रंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, राष्ट्रद्रोह के संघर्षण में, राष्ट्रद्रोह के संघर्षण में, लख कर जोश बड़े छड़ छड़ में, लख कर जोश बड़े छड़ छड़ में, कांपे शत्रु देख कर मन में, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडे के नीचे इस झंडे के नीचे निर्मय प्रेम शक्ति का अभिचल निश्चय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, विश्व मुक्ति हो ध्येय हमारा, विश्व मुक्ति हो ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, आओ प्यारे वीरों आओ, आओ प्यारे वीरों आओ, मातृभूमि पर बलि बलि जाओ, मातृभूमि पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे शान न इसकी जाने पाए, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, चाहे जान भले ही जाए, सत्य विजय करके दिखलाए, सत्य विजय करके दिखलाए, तब हो ए प्रण पूर्ण हमारा, तब हो ए प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय, स्वतंत्रता के अमर सपूतों की जय, स्वतंत्रता के अमर सपूतों की जय, विद्यालय परिवार के सदस्यगण और प्यारे बच्चों, आज हमारा देश 73वीं गणतंत्र की वर्षगांठ मना रहा है। इस गणतंत्र समारोह के शुभ अवसर पर तमाम ज्ञात अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए, मैं आप लोगों को नए भारत की, नई ऊंचाइयों की, नए भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। आज का मुख्य समाचार भी समारोह दिल्ली के राजपथ पर आयोजित होगा, जहां पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति ध्वजारोहण करेंगे और भारत अपनी शक्ति संस्कृति और सामर्थ्य का प्रदर्शन भी करेगा। आजादी के बाद हमारे देश में अपना संविधान नहीं था। अंग्रेजों ने जब यह निश्चय किया कि भारत को आजादी दी जाएगी, तो 1946 में एक कैबिनेट मिशन इंग्लैंड से भारत आया और उनके निर्देश पर ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और समग्र संविधान के प्रारूप के निर्माण का कार्य
डॉक्टर हरेंद्र मुखर्जी को दिया गया। केएन राव और बी एन गार्गी जैसे तमाम मनीषियों ने संविधान निर्माण की एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में काफी सहयोग दिया और अंत में हमारा संविधान जब बनकर के तैयार हुआ तो उसकी पहली मीटिंग 24 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में हुई और उसका पहला निर्णय यह था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाए और 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद ने भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ ली और भारत द्वारा बनाया गया संविधान आत्मार्पित किया, भारत के लोगों ने इसे स्वीकार किया, भारत का अपना संविधान बन करके हमारे देश में लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को ही यह संविधान क्यों लागू हुआ इसके पीछे भी एक कहानी है। 1929 में जब लाहौर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था और कांग्रेस के सभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चुने गए तो उन्होंने पहली बार भारत में संपूर्ण स्वराज की बात की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अंग्रेजों से आजादी का पहली बार किसी राष्ट्रीय मंच से कांग्रेस के अधिवेशन में भारत के लोगों ने आजादी की मांग की और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषित किया कि 26 जनवरी 1930 को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। 26 जनवरी 1930 को देश आजाद तो नहीं हुआ लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के नेतृत्व में दांडी मार्च से प्रारंभ की गई। उसी 26 जनवरी के महत्व को स्वीकार करते हुए हमारे देश के संविधान विशेषज्ञों ने, हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने 26 जनवरी 1950 का दिन चुना कि भारत में अपना संविधान लागू किया जाए। आजादी की एक लंबी लड़ाई को आप लोगों ने देखा है, मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया वो कार्यक्रम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बना जिसमें झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहब, बख्त खान, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह जैसे तमाम सपूतों ने अपने खून की बलि देकर, अपने को फांसी के तख्तों पर लटका करके चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे नेताओं ने हमारे आजादी की अलग झलक जगाई और फिर 1947 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद हमारे देश के नेताओं ने यह निश्चय किया कि आखिर भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उसका लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संविधान की रचना की गई थी और उसी के आधार पर आज हम लोग 73वां रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज भारत पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, केवल अमेरिका और चीन ही भारत से आगे रह गए हैं। दुनिया की चौथी बड़ी सेना की शक्ति हमारे पास में है, सबसे शक्तिशाली पूरी दुनिया में चौथे नंबर की हमारी सेना है। 130 करोड़ की आबादी, बढ़ती हुई जनसंख्या, हमारी गरीबी, बेरोजगारी जो तत्कालीन हमारे देश के सामने राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं, उनमें हम लोग पीछे हो रहे हैं। अगर हम लोग अपने देश की गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना है तो हमको शिक्षा पर ध्यान देना होगा, भ्रष्टाचार को रोकना होगा, हम क्यों धरती पर पैदा हुए हैं इस बात को पहचानना होगा। हर आदमी, हर व्यक्ति, देश का हर नागरिक सरकारी 2 रुपए किलो का राशन लेकर के जिंदा होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। हमको यह सोचना होगा कि आखिर हमारा जन्म ही किस लिए हुआ है, हमने देश को क्या दिया और देश से हमको क्या अपेक्षा है। हमारी अपेक्षाएं बहुत हैं। अंग्रेजों के आने के पहले पूरी दुनिया में भारत सर्वशक्तिमान था, सोने की चिड़िया थी, गरीबी और बड़ी बेरोजगारी का नामो निशान नहीं था, लेकिन हमारी एकता और अखंडता जैसे ही टूटी हम धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गुलाम होते चले गए और उन लोगों ने हमारे उद्योग धंधों को, हमारे रोजी रोजगार को धीरे धीरे करके नष्ट किया, इंग्लैंड को तो धनी बना दिया लेकिन हमारे देश को कटोरा थमा दिया। आजादी के बाद आज हम आईटी सेक्टर में जितनी प्रगति किए हैं पूरी दुनिया में उतनी प्रगति आज देखने के लिए नहीं मिलती है। एक उदाहरण दूं मैं आप लोगों के सामने,
दुनिया में सबसे ज्यादा तेल उत्पादक देश सऊदी अरेबिया है और उसकी एक कंपनी है आरामको जो सऊदी अरेबिया का सारा तेल दुनिया में सप्लाई करती है और उस सऊदी अरेबिया का पूरा तेल 120 बिलियन डॉलर का होता है जिसके बल पर वो दुनिया का सबसे धनी देश अपने को घोषित करके बैठा है। लेकिन भारत के आईटी सेक्टर की इनकम 250 बिलियन डॉलर है और हम लोग गरीब बने हैं। इसका पहला कारण है कि हमारे पास सब कुछ क्षमताएं होने के बाद हम आलसी होते जा रहे हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं, हमारा अपने ऊपर से भरोसा कम होते जा रहा है। आने वाले समय में हमको मंगलयान और गगनयान की सफलता के लिए अपने विज्ञान को, अपने ज्ञान को, अपनी संस्कृति को, अपने सभ्यता को और कुल मिलाकर के हम अपने राष्ट्रवाद को फिर से गौरवान्वित करना होगा। हमको शिवाजी के, राणा प्रताप के, चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नक्शे कदम पर चलते हुए पूरी दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में अगर भारत को स्थापित करना है तो हम लोगों को फिर से सिर्फ अपनी शिक्षा पर, अपने आलस्य को रोकने के लिए, अपने स्वाभिमान को फिर से जगाने के लिए और अपने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए हमको दिन रात परिश्रम करने होंगे। हम जिस भी फील्ड में हैं, विद्यार्थी हैं पढ़े, टीचर हैं पढ़ाए, व्यापारी हैं अच्छा व्यापार करें, किसान है अच्छी खेती करें, जो जहां है वो उसी काम को अगर अच्छा से करता है तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि सिर्फ अगले 10 सालों में 2030 आते आते हम लोग शायद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को न बन पाए लेकिन तीसरी अर्थव्यवस्था अमेरिका को भी पीछे छोड़कर के आगे जा सकते हैं। एक बार फिर से उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए, उनके चरण कमलों में नमन करते हुए, आप लोगों को फिर से यहां गणतंत्र की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अन्य अध्यापक गण उनकी सहायता करते हुए दिया। तो पूज्य बाबा जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया तो ये होती है लेकिन हमारे यहाँ मैं देख रहा हूँ कि माला पहनाने के लिए माला पहले से ही किया गया है दो वरिष्ठ आचार्यों के द्वारा। बाबा जी को पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। स्वतंत्र राव अमृत मंत्र राव भारत में भर दे प्रिय स्वतंत्र राव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वर दे वीरा वादिनी वर दे वर दे वीरा वादिनी वर दे वर दे बीड़ा
का।